नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24। वक्त हो चुका है टॉप 10 न्यूज का। देश में कोरोना का कहर जारी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,395 केस आए सामने। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे हुआ मजबूत। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में नमाज अदा करेंगी। मुंबई दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं के साथ शुरू की पदयात्रा। दिल्ली की हवा फिर जहरीली, AQI खराब श्रेणी में, दिल्ली का AQI 162 पहुंचा। यूपी में 11 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, शफीक अहमद बने पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण निर्देशालय, राजेश कुमार श्रीवास्तव बने पुलिस अधीक्षक सुरक्षा मुख्यालय। योगी सरकार ने अन्नदाता किसानों को दी बड़ी राहत, नहीं लिया जाएगा ट्यूबवेल का बिल। गाजीपुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। हार के बाद अफगानिस्तान के फैंस ने पाकिस्तान के प्रशंसकों को पीटा, शोएब अख्तर ने वीडियो शेयर कर दुख जताया। ऐसी ही खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए TV24 के साथ।